ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के नरेला में स्थानीय लोगों ने नरेला एमसीडी जोन का घेराव कर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने हाउस टैक्स के नोटिस को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी समेत निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही नवनिर्वाचित निगम पार्षद अंजू देवी ने सख्त चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर एमसीडी द्वारा इस तरह की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे यह प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। अंजलि सहरावत, ये देखिए इस प्रकार के नोटिस जो बार बार हमारे क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए के। 16 जनवरी को मैडम को दिया गया, 23 जनवरी को मैडम को दिया गया, लेकिन आज 30 जनवरी हो गई है, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। दिल्ली में निगम प्रशासन और आमजन एक बार फिर से आमने सामने हो गए। अभी सदर इलाके में सीलिंग का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के नरेला में निगम प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने नरेला जोन के निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए नरेला जोन का घेराव किया। दरअसल सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने निगम पार्षद अंजू देवी के नेतृत्व में प्रशासन के खिलाफ लामबंद होते हुए जमकर अपना आक्रोश दिखाया। नरेला जोन के बाहर बड़ी संख्या में रोष प्रकट कर नरेला क्षेत्र के लोगों ने हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों ने नरेला जोन की डीसी समेत जेई और हाउस टैक्स अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नरेला डीसी कार्यालय का भी घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाउस टैक्स के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा आम जन को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही नवनिर्वाचित पार्षद अंजू देवी ने कहा कि इस बाबत कई बार जोन के डीसी को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। ऐसे में देखना होगा कि लोगों के बढ़ते आक्रोश के बाद निगम द्वारा आम जन को राहत कब तक मिल पाती है, या फिर एमसीडी द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी दरअसल जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर